हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सपोज करो कि कुछ नंबर्स ऐसे एक सीरीज से गिवन है, 1 + 2 + 3, सपोज करो ये तुम्हारे पास 50 तक नंबर गिवन है। देखो ये ना कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, ठीक है? तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना, अगर ऐसे गिवन है तो तुम इनका सम कैसे निकालो? देखो अगर हम इनको सब एड करेंगे 1 + 2 + 3 वैसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2, ठीक है? क्या है फॉर्मूला? n × n + 1/2, ठीक है? यहाँ n क्या है? ये जो लास्ट नंबर है ये तुम्हारा n है, यहाँ पे लास्ट नंबर तुम्हारा 50 है, तो तुम n की जगह 50 रखोगे। n + 1 हो गया 51 / 2, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 25 × 51 करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 1275, ठीक है? तो देखो कितने बस कुछ ही सेकंड्स में तुमने इतना बड़ा सम निकाल लिया, ठीक है? एक और हम ट्राई करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो नंबर गिवन है यहाँ पर वो गिवन है 1 + 2 + 3 up till 200, ठीक है? तो इसका देखो कैसे निकालोगे, क्या करोगे? 200 है तो लिखो n × n + 1 क्या है? 200 + 1, ठीक है? ÷2, यही तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n × n + 1 / 2, ठीक है? तो इसको कर दो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 × 201, ठीक है? तो तुम्हारे पास आ जाएगा 201 00। देखो कितने आसानी से आ गया, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? अगर सपोज करो हमारे पास ऐसे गिवन है 1² + 2² + 3², ये हमारे पास गिवन है, वाली सीरीज गिवन है 20 के स्क्वायर तक, ठीक है? तो देखो कैसे निकालोगे इसको। इसका फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। यहाँ पे n क्या है? देखो n यहाँ पर 20 है, ठीक है? जो लास्ट नंबर है वही तुम्हारा n है। अगर यहाँ तक 100 होता तो यहाँ पे 100 आ जाता, ठीक है? तो 20n + 1 = 21, 2n + 1 = 2 × 20 हो गया 40 + 1 हो गया 41/6, ठीक है? क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 2870। तो देखो कितना आसान हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना, ठीक है? चलो एक और ट्राई कर लेते हैं हम इस पे, ठीक है? सपोज करो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज गिवन है वो मानो गिवन है 10 के स्क्वायर तक गिवन है, ठीक है? तो क्या करोगे आप तुम? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 × 2n + 1, है ना? ÷6, ठीक? अब ये n की जगह क्या रखना है? 10 रखना है, 10 रखो। n + 1 हो गया 11, 2 × n = 20 + 1 हो गया 21/6, ठीक है? क्लियर? चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ÷6 है, राइट? तो तुम हो जाएगा 2 से कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है? आगे मैं करती हूँ, 3 × 7 = 21, ठीक है? 7 × 5 = 35 × 11, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 5। तो देखो 35 × 11 करना है। एक ट्रिक और सिखाती हूँ यहाँ पर। देखो दो नंबर्स है जिनको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो लिखो 3 × 5 × 35 को ही तो मल्टीप्लाई करना है। बीच में क्या लिखोगे? इन दोनों का सम, 3 + 5 हो गया 8, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? क्लियर? चलो एक और देखते हैं हम। सपोज करो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है? जैसे कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ठीक है? एक सीरीज गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 10 के क्यूब तक, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? देखो ये बड़ा आसान फॉर्मूला है। कैसे? देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? n × n + 1/2 पढ़ा था, ठीक है? और अगर इसमें क्यूब लगा हुआ है तो तुम इसका स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला वही है, बस इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है? एन क्या है यहाँ पे? लास्ट वाला नंबर हो जाएगा, 10 + 1 हो गया 11/2, इस सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 5,
55 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3025। ठीक है, सिंपल आसान लग रहा है। चलो एक और देखते, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 20 का क्यूब तक निकालना है, ठीक है, तो देखो अब कैसे निकलेगा, क्या करोगे, n की जगह 20 रखो, n प्लस 1 हो गया 21/2, इसका क्यूब कर स्क्वायर कर दो सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर, ठीक है, 21 के स्क्वायर क्या होते हैं तो सबको पता है कितना होता है 441, ठीक है, जीरो का डबल जीरो कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।